तो इस चैप्टर में कॉस रिकन्सिलेशन में आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, थोड़े बहुत कॉस शीट की पूरे फॉर्मेटिंग पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड आएगा। दूसरा, अगर आपको 11th क्लास का VRS याद है तो बहुत अच्छा है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बातें बता दूं जिसका आपको ध्यान रखना है। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ मेरा मेथड फॉलो करना है। अगर आपने बुक से देख के या कॉलेज के अंदर जो टीचर करा रहे हैं उनको देख के समझने का कोशिश करा, तो ये चैप्टर आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो पहली बात, आप इस बात से सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करिए कि भैया जो हम यहाँ पे क्लास में कर रहे हैं यही फॉलो करेंगे, कॉलेज में जो टीचर बता रहा है वो पता नहीं किस तरीके से, और बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है वो पता नहीं। तो पहले मैं हर किसी को पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो आपको अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, बार बार यही क्वेरी आती है, सर ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। सर कॉस रिकन्सिलेशन, सर रिकन्सिलेशन का मतलब होता है ठीक करना, रिकन्सिलेशन का मतलब होता है ठीक करना। सर क्या ठीक करना? कॉस्ट। अब मैं आपको ध्यान से समझना, ये चैप्टर क्यों बनाया गया? ये चैप्टर था ही नहीं, इसे बनाया क्यों गया? ऐसा क्या समस्या आई कि बनाया गया? एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब सर, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंस और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एज पर कॉस्ट। सर फाइनेंस वाला तो आपने इतने क्वेश्चन किए हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 11th क्लास से सबसे मेन चैप्टर यही बना रहा है जिसके अंदर आप क्या बनाते थे, कुछ इस तरीके से आपका सिनेरियो चलता था, ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का पार्ट P&L, यहां से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाला करते थे और बाय GP लिख के और फाइनली आप सब कुछ काम किया करते थे, ये फाइनेंस का। कॉस का P&L अभी रिसेंटली हमने खत्म किया, लेकिन जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उनके लिए मैं बता दूं कि कॉस का P&L कैसा होगा। कॉस का P&L इस तरीके से डिफाइन होगा, एक स्टेटमेंट टाइप से होता है जिसको हम कॉस शीट भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। सर इसके अंदर हमारे कुछ बातें होते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले निकलता है सर प्राइम कॉस्ट, उसके बाद क्या निकलता है फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद क्या आता है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद क्या आता है सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कुछ इस तरीके का बनता है हमारा P&L। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बताऊंगा कि इस तरीके का हमारा बना करता है। अब दिक्कत ये आता है कि इसके अंदर हमारा चाहे कॉस्ट है, मान लेते हैं कि मैं एक व्यक्ति है वो मारुति कंपनी, मारुति कंपनी समझते हो, वैसे मारुति कंपनी का ओनर है, तो सर इसका काम क्या मारुति कंपनी का ओनर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है? जी सर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो उस कंपनी के अंदर दो तरीके के अकाउंटेंट है, दो तरीके के अकाउंटेंट है जो उसका अकाउंटिंग कर रहा होगा। एक कर रहा होगा हमारा जो कोर्स करते हैं CMA, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, जिसे ICWA भी कहते हैं, और इसको बना रहा होगा हमारा CA चार्टेड अकाउंटेंट। और मालिक को तो भैया पता चलना चाहिए कि उसका प्रॉफिट क्या है, बड़ी सीधी सी बात है, मालिक को पता चल जाए कि उसका प्रॉफिट क्या है, तो CMA अपने हिसाब से प्रॉफिट निकाल के बताता है और फाइनेंस वाले CA अपने हिसाब से प्रॉफिट बताते हैं। मालिक के दिमाग में क्या आइडिया रहता है कि भैया हमने दो अकाउंटेंट इसलिए लगाया है कि ये दोनों हमें ये बता दे तय करके कि प्रॉफिट क्या है, इससे हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे। यानी अगर ये बोलता है मेरा प्रॉफिट 5 लाख है, तो अगर CA भी बोल दे कि हमारा प्रॉफिट 5 लाख रुपए ही है तो फिर ये चैप्टर ही ना बने, तो इस चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन CA बोले कि हमारा प्रॉफिट सर 4 लाख है और CMA वाला बोले नहीं सर ये 5 लाख है, तो मालिक को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, भैया दोनों अलग अलग बातें कैसे कर रहा है, काम तो बिजनेस ही की है लेकिन दोनों अलग अलग बातों को क्यों रख रहा है हमारे सामने, यानी कहीं ना कहीं हमारे कंपनी के अंदर फ्रॉड तो नहीं हो रहा। बहुत सारे विचार आने लगेंगे मालिक के पास। तो फिर हमारा फिर आएगा बीच में कौन, हमारा बीच में आएंगे ये CMA।
सीएमए वाले बोलेंगे, सर मैं आपको, या फिर सीए बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूं कि सीए साहब के और हमारे प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मैं इंटरेस्ट की बात करूं, यहां पे इंटरेस्ट को दिखाया जाता है लेकिन इंटरेस्ट यहां पे नहीं दिखाया जाता, तो इसके वजह से फर्क तो आएगा ही। जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ यहां दिखाया जाता है, गुडविल रिटर्न ऑफ यहां नहीं दिखाया जाता, तो फर्क तो पड़ेगा। सर यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ और तरीके से होता है और यहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ और तरीके से होता है, तो फर्क आएगा ही आएगा। सर यहां पे हमारा इनकम टैक्स के ऊपर दिखाया जाता है या फिर हमारा डिविडेंड रिसीव होता है, तो डिविडेंड रिसीव यहां दिखा देते हैं, इसमें डिविडेंड रिसीव की कोई जगह ही नहीं है। यानी कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसे हैं जो कि इसके अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन यहां पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम दोनों का प्रॉफिट डिफर हो जाता है। तो यही बात मालिक को समझाने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, तो यहां पे एक चैप्टर का नाम आता है कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी इन दोनों में क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन दोनों टॉपिक में क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको एक स्टेटमेंट में करके हमें अपने मालिक को समझाना होता है। इसी को बोलते हैं कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यानी सर इस चैप्टर में हमें P&L का भी नॉलेज होना है, बिल्कुल आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या कॉस्ट शीट की भी नॉलेज होनी चाहिए? डेफिनेटली आपको कॉस्ट शीट की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है और इतनी डिटेल नॉलेज भी नहीं चाहिए, बस सिंपल सी चाहिए। इधर आपका सैलरी वैलरी आता है और इधर हमारा वेजेस वगैरह और परचेज वगैरह आता है, इतनी नॉलेज काफी है, इतना डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए। कॉस्ट शीट का आपको थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेना होगा। तो कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बना और क्यों किया जा रहा है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको बेस क्लियर हो रहा है कि हम क्यों कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कर रहे हैं? तो इसका जवाब एक ही है कि कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्योंकि हमें दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंसेस है वो क्यों है उसको मैच करके दिखाना है। करेक्ट, हम किसी को भी, हम करेक्ट नहीं, अब क्वेश्चन है कि सर करेक्ट कौन सा होगा, हम इसके प्रॉफिट को लेके समझा दें कि सर इसका प्रॉफिट डिफरेंस इसलिए हो रहा है, ये चीज जोड़ा है। हम यहां पे P&L नहीं बना रहे, दोनों ही करेक्ट है, सीए भी करेक्ट है अपने आप में, क्योंकि सीए बोलेगा भैया P&L में इंटरेस्ट ना दिखाएं क्या, हम दिखाना है। कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा भैया इंटरेस्ट कॉस्ट का पार्ट ही नहीं है, फाइनेंस का पार्ट है, तो आप वहां दिखाओगे। दोनों करेक्ट है लेकिन मालिक को इससे मतलब नहीं है कि कौन करेक्ट है, मालिक को तो होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है मुझे बता दिया जाए। सेम सिचुएशन होता था हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी, तो वही चीजें यहां पर अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं सर कैसे करना है, इसको कैसे करना है, सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे और सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो हमारा चैप्टर है कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसको मैं कॉस्ट रिकंसिलेशन CRS का नाम दे दूंगा शॉर्ट फॉर्म में। सर CRS में ना हमें दो प्रॉफिट गिवन हो सकते हैं एग्जामिनर से, सर दो प्रॉफिट एग्जामिनर दे सकता है, या तो आपको दे सकता है कॉस्ट का प्रॉफिट, या तो दे सकता है आपको किसका प्रॉफिट सर, और सिर्फ प्रॉफिट नहीं देगा सर, लॉस भी हो सकता है, आप सिर्फ प्रॉफिट पे मत जाइए, और या दे सकता है आपको फाइनेंस का। फाइनेंस का क्या हर बच्चे को समझ में आ रहा है, फाइनेंस का प्रॉफिट मतलब, फाइनेंस का प्रॉफिट या लॉस, तो फाइनेंस का प्रॉफिट मतलब समझ पा रहे हो क्या क्या होता है? तो सिंपल सी बात है सर, फाइनेंस का प्रॉफिट मतलब P&L, और फाइनेंस का कौन बनाएगा सर, ये हमारा एक सीए तैयार करता है, और एक सीए में हमारे एग्जाम में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कौन कौन तैयार करता है, हमें तो सिर्फ एक सिचुएशन दिया जाएगा। और हाईली इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कॉस्ट शीट आए ना आए भरोसा नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपके एग्जाम में जरूर आएगा। कॉस्ट शीट का भरोसा नहीं कर सकते कि आए या ना आए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कॉस्ट शीट को भी तो इनकॉर्पोरेट कर लिया उसने, तो इसलिए वो इस चैप्टर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सर हम एक बार कॉस्ट शीट का प्रॉफिट दे दे तो उसके हिसाब से ऑनर को कैसे आंसर बताएंगे, एक फाइनेंस का अगर प्रॉफिट पता हो तो कैसे बताएंगे? तो हम पहले क्या करते हैं सर, हम पहले करते हैं, हम ले लेते हैं कॉस्ट का प्रॉफिट बेस मान लेते हैं। सर कॉस्ट का प्रॉफिट बेस मानने का मतलब हमने ले लिया कॉस्ट का प्रॉफिट, कॉस्ट का प्रॉफिट ले लिया, तो हमें कुछ ना कैसे सोचना है, अगर आपको कॉस्ट का प्रॉफिट दे रखा है तो आपने सोचना जो है, आपने सोचना है, यानी आपको दिमाग लगाना है, वो लगाना है सर फाइनेंस के प्रॉफिट पे, फाइनेंस के प्रॉफिट पे। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
आपको दिमाग लगाना है फाइनेंस के प्रॉफिट पे। सर फाइनेंस के प्रॉफिट पे दिमाग लगाना है? जी हाँ। अब मान लीजिए स्टेटमेंट बनाया, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है सर, स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बना दिया। स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनता है हमारा, मैं बस एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी पूरा फॉर्मेट भी बनाऊंगा। हम ये वाला टॉपिक अभी नहीं उठा रहे, सिर्फ एक पार्ट को करेंगे। इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। पॉइंट नंबर वन, पता है क्या लिखना है पॉइंट नंबर वन? या फिर हम एक काम करते हैं ना, क्यों हम अपने दो दो बार मेहनत करें, एक ही बार में कर देंगे सारा खत्म। तो इसको पहले मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं। चलिए, जो मैंने बोला उसको हम प्रूफ भी करेंगे। हम बना लेते हैं स्टेटमेंट। बस आपको ना हाँ या ना, मैं बड़े सारे सवाल पूछूंगा, आप बताते जाएंगे इसका ये होगा, इसका ये होगा, चैप्टर खत्म। चैप्टर में कोई जान नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चैप्टर फिर बहुत भारी पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो दोनों बात है इस चैप्टर में, मैं कहूंगा आसान भी है और मुश्किल भी है। यहां लिखा हमने कॉस रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, प्लस और माइनस, यहां पर्टिकुलर, पर्टिकुलर सर, पर्टिकुलर पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। आपको जो पॉइंट नंबर वन लिखना है वो लिखना है प्रॉफिट, प्रॉफिट। पहले हम प्रॉफिट वाले सवाल करेंगे एज पर कॉस्ट, क्योंकि हम ये वाला कर रहे हैं कॉस्ट का प्रॉफिट। तो जो पहले दे रखा है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, उसे इस कॉलम में लिख देना है। अब ट्रांजेक्शन या तो माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा। अब आपको सोचना है फाइनेंस के बारे में। अगर फाइनेंस के बारे में सोचना है तो सर क्या सोचे फाइनेंस के बारे में? अगर फाइनेंस का प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा तो हम प्लस कर देंगे स्टेटमेंट में, और फाइनेंस का प्रॉफिट अगर डिक्रीज होगा तो हम माइनस कर देंगे स्टेटमेंट में। जैसे मैं बोलूं कि मैंने इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं दिखाया, तो आपको कॉस्ट शीट के बारे में बता के हमें कोई लेना भी नहीं है, हम किसके बारे में सोचेंगे? फाइनेंस के बारे में। तो अगर मैंने इंटरेस्ट फाइनेंस में दिखाया है तो इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। और खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा? जैसे जैसे खर्चा दिखाओगे तो प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो हम इंटरेस्ट को कहाँ लिखेंगे सर? माइनस में, ठीक है ना? बड़ी सिंपल से मैं कुछ एक पॉइंट पूछूंगा, बताइएगा, आप बताते जाइएगा, मैं कुछ पॉइंट पूछता जाऊंगा। मैंने कहा डिविडेंड हमने रिसीव किया, और डिविडेंड रिसीव करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रखा है, तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी जवाब दीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चों ने तो बता दिया, जितने बच्चे लाइव है वो भी बता दीजिए, डिविडेंड रिसीव करने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा, बता दीजिए। बच्चों ने बता दिया सर प्लस होगा। बस आपको पता चल गया प्लस होगा, तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट में? प्लस वाले कॉलम में। ऐसे ही मैं बोलूँ, मैंने इनकम टैक्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है, टैक्स पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है एज अ खर्चा, एज अ खर्चा। तो अब दूसरा जवाब दीजिएगा कि अगर हमारा टैक्स पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया हुआ है तो उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा, बताइए फटाफट। तो तुषार ने जवाब दे दिया सर माइनस होगा, तो बिल्कुल हम इस स्टेटमेंट में कहाँ लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। ऐसे ही मैं बोलूँ कि मेरा जो है सभी बच्चों ने लेस लेस माइनस का जवाब दे दिया है। ऐसे ही मैं अगर बोलूँ आपको कि मैंने जो परचेज है या फिर मैं बोलूँ ओपनिंग स्टॉक, मैंने फाइनेंस में ज़्यादा दिखा रखा है। ओपनिंग स्टॉक मैंने फाइनेंस में क्या दिखा रखा है? ज़्यादा दिखा रखा है। तो आप दिमाग लगाओ, ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है? डेबिट साइड आता है। तो डेबिट साइड ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या होगा? फिर से माइनस हो जाएगा। तो फिर से स्टेटमेंट में कहाँ लिख देंगे? माइनस में लिख देंगे, फिर से माइनस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। इसके साथ फिर एक और पॉइंट देखिए सर, अगर मैं बोलूँ क्लोजिंग स्टॉक मैंने ज़्यादा दिखा रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है? दिमाग लगाओ, क्रेडिट साइड होता है। तो उससे क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा सर? ऐड भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, काफी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको थॉट जो दिमाग में लाना है किसके बारे में लाना है? पी एंड एल के बारे में। अगर आप पी एंड एल के प्रॉफिट और लॉस को
समझ पा रहे हो, उसके रिजल्ट को आप सोच पा रहे हो, तो आपके लिए बच्चों वाला काम है। मैंने बोला इंटरेस्ट पेड, फाइनेंस में सीधा सोचोगे जी प्रॉफिट माइनस, माइनस कॉलम में डालेंगे, बात खत्म। मैंने बोला डिविडेंड रिसीव, सीधा सोचोगे प्रॉफिट अप प्लस। मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव, प्रॉफिट अप प्लस। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो सर क्या क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने बताया आपको फाइनेंस के बारे में, लेकिन एग्जामिनर भी चालाक है, वो आपको फाइनेंस के बारे में कई बार बहुत सारी बातें नहीं बताएगा, और वो बताएगा किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में बातें बता देगा वो। जब कॉस्ट के बारे में बताएगा वो, तो आपको दिमाग डबल चलाना है फिर। यानी मैंने बोला कि मैंने कॉस्ट का किसी वजह से भी कॉस्ट का प्रॉफिट मैंने बढ़ा रखा है, तो सर कॉस्ट का बढ़ा रखा है तो मतलब फाइनेंस का घट गया होगा, ये दिमाग लगाना है। क्यों सर? मैं बोल रहा हूं दो चीजें पैरलर है। मैंने बोला कॉस्ट के प्रॉफिट को बढ़ा दिया है तो फाइनेंस तो कम अपने आप ही हो गया ना, समझ रहे हो बात? तो अभी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ये चीजें हम देखेंगे। अब क्या क्या चीजें होंगे, क्या क्या नोट हमें ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, हम सिर्फ इस वाले पार्ट पे चल रहे हैं। पॉइंट नंबर वन, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसको ट्रीट करना है एज अ इनकम, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक होता है क्रेडिट साइड में, तो उसको एज अ ट्रीट करना है इनकम। नंबर दो सर, सर ओपनिंग स्टॉक अगर होगा ना, तो उसको क्या ट्रीट करोगे बताओ? सिंपल सी बात है, एज अ ट्रीट, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस है नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इस चैप्टर के लिए मान लेना है कि वो हमारा क्या है, खर्चा है। क्या है हमारा? खर्चा है, तो उसे मान लेना है हमें एज अ एक्सपेंस, ये दिमाग में लेके चलना है, दिमाग में लेके चलना है, ठीक है सर? दिमाग में लेके चलना है। सर फाइनेंस में प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा शो हो रहा है तो ये रिवर्स क्यों नहीं करेंगे? नहीं, अभी आपको देखो मैं सवाल करूंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक शब्द, कुछ शब्द ना कॉस्टिंग वाले ले लेते हैं, बड़े भारी शब्द को ले लेते हैं, जैसे क्या क्या सर? कुछ वर्ड ले लेते हैं कॉस्टिंग वाले का। सर कॉस्टिंग वाले का क्या क्या वर्ड ले लेंगे? जैसे सर, जैसे ले लेंगे वो अंडर रिकवर, अंडर रिकवर, अंडर रिकवर, अंडर रिकवर का मतलब कम। और सर ये कम कहां पे? ये कम कॉस्ट में है, कम कहां दिखाया? कॉस्ट में। और दूसरा बोल देगा ओवर रिकवर, ओवर रिकवर, ये भी कहां है? ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा कहां है सर? ये भी कॉस्ट में है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया कॉस्ट में खर्चे ज्यादा दिखा रखे हैं मैंने, मैं बोलूं मैं कॉस्ट में खर्चे दिखा रखे हैं, तो आप मुझे सोचना, अगर कॉस्ट के खर्चे दिखा रखे हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर कॉस्ट में खर्चे ज्यादा दिखा रखे हैं, कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट शीट। अगर कॉस्ट शीट में खर्चे ज्यादा दिखा रखे हैं, तो सोचो आराम से कॉस्ट शीट के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आ रहा होगा। अगर कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम है, तो उसका अपोजिट रिएक्शन कहां पड़ जाएगा? तो फाइनेंस का बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? फाइनेंस का क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी कुछ कुछ पॉइंट मैं फॉर्मेट में तो लिख ही दूं। मैंने बोला इंटरेस्ट, 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 मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूं। मैंने बोला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंस अकाउंट, FA लिख रहा हूं, इंटरेस्ट क्रेडिट इन फाइनेंस अकाउंट। तो सर फाइनेंस अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट फाइनेंस का बढ़ गया होगा, तो ये प्लस वाले कॉलम में आएगा। नंबर तीन, डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कहाँ पे? फाइनेंस अकाउंट में। तो सर फाइनेंस में अगर आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा सोचो? माइनस होगा, तो हम कहाँ लिखेंगे? माइनस में। नंबर चार, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो डिविडेंड आपने रिसीव किया तो डिविडेंड रिसीव फाइनेंस का ही पार्ट है, और फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब प्लस। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इन फाइनेंस FA, तो सर ये क्या हो जाएगा सर? माइनस हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर पांच, चार चार कितनी बार? दो बार लिख दिया मैंने, ये पांच हो गया।
पॉइंट नंबर छह, मैंने बोला एक्सपेंस 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 अंडर रिकवर, अंडर रिकवर। सर आपने बताया एक्सपेंस अंडर रिकवर, तो अंडर रिकवर हो या ओवर रिकवर, ये किसके बारे में बताएगा? कॉस्ट के बारे में बताएगा। तो एक्सपेंस में अंडर रिकवर यानी एक्सपेंस आपने कम दिखा रखा है कॉस्ट में, तो कॉस्ट में अगर आपने एक्सपेंस कम दिखाया तो उसका प्रॉफिट तो बढ़ गया होगा। तो उसका प्रॉफिट बढ़ गया तो हम तो सोच रहे हैं किसके बारे में, फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कंपेयर टू घट रहा होगा, तो ये कहाँ आ जाएगा सर, माइनस में। सात नंबर, मैंने बोला एक्सपेंस एक्सपेंस ओवर रिकवर, ओवर रिकवर या ओवर ऑब्जॉर्ब भी बोल देते हैं, ओवर ऑब्जॉर्ब भी बोल देते हैं, ओवर रिकवर। यानी सर एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया गया, अगर ज्यादा दिखा दिया गया एक्सपेंस तो हमारा कॉस्ट का प्रॉफिट, कॉस्ट में ज्यादा दिखाया तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो फाइनेंस का क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो इसको कहाँ दिखा देंगे सर, प्लस में दिखा देंगे। पॉइंट नंबर आठ, पॉइंट नंबर आठ, सर इंटरेस्ट माइनस में नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव है वो, क्रेडिट का मतलब प्लस में, इंटरेस्ट पेमेंट वाला नहीं है, रिसीव वाला यानी क्रेडिट साइड में, ठीक है। चलिए कम, इसके बाद पॉइंट नंबर आठ, सर पॉइंट नंबर आठ, पॉइंट नंबर आठ और क्या ले, और हम ले लेते हैं कुछ ना कुछ ले लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन एफए फाइनेंस अकाउंट, जवाब दीजिए क्या करेंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक को ट्रीट करना है एज अ इनकम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐड हो जाएगा। पॉइंट नंबर नौ, पॉइंट नंबर नौ, सेल्स सेल्स एक्स्ट्रा, सेल्स एक्स्ट्रा है फाइनेंस अकाउंट में, हालांकि नॉर्मली होगा नहीं लेकिन मैं तो आपको चेक कर रहा हूँ, सेल्स एक्स्ट्रा है एफए में, तो बताइए क्या होगा। तो सिंपल सी बात है सर, सेल्स तो एक्स्ट्रा है, तो सेल्स एक्स्ट्रा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आएगा, और प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आपने बताया कि बढ़ा दो इसे, तो ये बढ़ा दिया। तो यानी अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, अभी दो तीन सवाल करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम टोटलिंग प्रोसेस में आ गए, तो इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, है ना। और अब बैलेंसिंग फिगर इधर निकलेगा, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे वो लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर, एज पर ये कॉस्ट से शुरू किया था हमने, तो हमारा आएगा एफए यानी फाइनेंस अकाउंट, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट। बताइए आपको समझ आया, तो एक क्वेश्चन भी टेस्टिंग कर लें आपके साथ। डेप्रिसिएशन चार्ज, सर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा इन फाइनेंस, ओके टोली ने बता दिया सर, माइनस। सर डेप्रिसिएशन चार्ज माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा बच्चे कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा तो माइनस ही लिखा है, ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। सर सही से नहीं आया, सर कॉस्ट में फाइनेंस से रिलेट करेंगे, यस कॉस्ट शीट को फाइनेंस से रिलेट करना है, सेल्स वाला समझ में नहीं आया बता रहे हैं। मैंने बोला सेल्स फाइनेंस में ज्यादा है, तो फाइनेंस का मतलब पी एंड एल बढ़ा हुआ है, जब पी एंड एल बढ़ा हुआ है तो कहाँ जाएगा हमारा पी एंड एल, जब आपका बढ़ा होगा तो क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट का प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम भी प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी एक सवाल भी देख लेते हैं, चिंता मत करो। तो यानी ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर को बताऊं फटाफट से, तो सर ये चैप्टर है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसके अंदर दो बेसिस पे हमें क्वेश्चन को करना होता है, एक करना होता है बैलेंस एज पर कॉस्ट शीट, और एक करना होता है बैलेंस एज पर फाइनेंस। बैलेंस एज पर अगर कॉस्ट शीट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, सोचना होगा फाइनेंस के प्रॉफिट के बारे में। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट किसी भी रीजन से इंक्रीज हो रहा है तो स्टेटमेंट में प्लस कर देंगे, और फाइनेंस का प्रॉफिट किसी भी रीजन से डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितने रीजन है, कुछ एक रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिए। चलिए एक सवाल देखते हैं, आपके सामने एक सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल है, और हम हमारे पास दोनों बातें यहाँ पे गिवन है, तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में काफ़ी बच्चे तो जवाब मुझे दे ही देंगे, बहुत सारे ढेर सारे स्टूडेंट को इनका आंसर पता होगा और वो दे देंगे, मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि इतना आसान चैप्टर ही है।
अब मैं आपसे ही पूछूंगा और धीरे धीरे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला क्वेश्चन है, बाकी कॉलम बहुत बड़े बड़े खींच लिए मैंने, काम का है नहीं इतना। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ओके, ये तो लॉस वाला है ना, लॉस वाला बाद में, पहले प्रॉफिट वाला देख लेते हैं। क्या ये प्रॉफिट वाला है? हाँ ये प्रॉफिट वाला है, तो लॉस वाला भी देखेंगे, चिंता मत करो, लॉस वाला भी करेंगे, कुछ फर्क नहीं है लॉस में। वहां पे नेट लॉस दे रखा था इसलिए उस पेज को स्किप कर दिया, कोई बात नहीं। पर्टिकुलर क्या आएगा सर? सी आर एस, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप नहीं कर सकते, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। चलिए सर, क्या कहता है? प्रॉफिट दे रखा है और कॉस्ट के नीचे दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट के नीचे। क्वेश्चन कुछ बच्चों को ना दिख रहा हो, अब दिख जाएगा। सर प्रॉफिट दे रखा है किसके नीचे? कॉस्ट के नीचे। अरे हाँ अच्छा, ये ऊपर आ गया, मैं कहूँ प्रॉफिट कहाँ चले गया? ये रहा प्रॉफिट, ये रहा प्रॉफिट 50,000। तो हम लेंगे प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, और लीजिए जी 50,000 लिख दिया, 50,000 लिख दिया। अब कहता है मार्केटिंग ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड कॉस्ट में 8,000 और फाइनेंस में 8,000, मतलब दोनों जगह 8,000 लिखा है, तो प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट ही नहीं आया, तो इसलिए इसका कोई काम नहीं है। यानी सर ये भी सोचना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, अगर कॉस्ट और फाइनेंस में दोनों चीजें खर्चे या इनकम बिल्कुल सेम है तो प्रॉफिट तो डिफर हुआ ही नहीं होगा। जैसे कि यहां पे बोला मार्केटिंग ओवरहेड 8,000, 8,000, मैंने बोला अब ये किसी काम का नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कॉस्ट में नहीं आता, सिर्फ फाइनेंस में आता है। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? सोचो, दिमाग लगाओ, मैं लिख रहा हूं आप सोचो, आप भी कमेंट में भी जवाब दो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स बच्चे ने बताया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स सर खर्चा है, तो चलो खर्चा तो पता चला, लेकिन उससे प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा? प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा होगा बता दीजिए फटाफट। प्रॉफिट श्रुति जो अंडर रिकवर जो भी है डाउट तो वो चीजें समझा देंगे। तो सर बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा प्लस बता रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज अ एक्सपेंस। सर क्या बात कर रहे हो, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस कहाँ पे दे रखा है हमें? एक्सपेंस दिखा रखा है कहाँ? फाइनेंस बुक में, ये भी चेक करो। तो फाइनेंस में अगर हमने खर्चा दिखा रखा है तो फाइनेंस का प्रॉफिट घट रहा होगा, तो हम भी स्टेटमेंट में माइनस कर देंगे, दैट इज ये आ गया हमारा 5,000, 5,000। किसी को डाउट इसमें बताइए, एक एक पॉइंट पूछ के करेंगे। प्रॉफिट माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, इल्मा ने भी बता दिया माइनस होगा, सभी को ये समझ में आया? एक बच्चे ने तो पूरा आंसर ही निकाल के दिखा दिया मुझे, दिया आपने तो आंसर ही निकाल दिया, फिर रुक जाओ हम भी चेक करते हैं क्या आंसर आया। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड खर्चा, यहाँ पे कॉस्ट में 8,500, यहाँ 7,000, इसका मतलब यहाँ कंपेयर करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। कहता है सर कॉस्ट में जो है, कॉस्ट में जो है वो 8,500 दिखाया है, लेकिन फाइनेंस में 7,000 दिखाया है, तो हमें तो सोचना किसके बारे में है, और डिफरेंस से फर्क आ रहा होगा। तो फाइनेंस में हमने ये खर्चा कम दिखाया हुआ है, और खर्चा कितना कम दिखाया हुआ है? 1,500 रुपये। तो 1,500 अगर आपने फाइनेंस में कम खर्चा दिखाया है तो उसके प्रॉफिट पे सोचिए दिमाग से क्या फर्क हुआ है। तो प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो हम भी बढ़ा देंगे, कितने से बढ़ रहा होगा? 1,500 से। सोच पा रहे हैं जैसे मैं सोच रहा हूं? आपको ऐसे ही सोचना है। डायरेक्टर फीस, कहता है भैया डायरेक्टर फीस एक खर्चा होता है,
जो कि सिर्फ फाइनेंस में है, ये मैं बच्चों से पूछूंगा। डायरेक्टर फी, सर डायरेक्टर फी कहाँ जाएगा बताइए। डायरेक्टर फी ऐड हो बाय 1500, बच्चों ने बताया ऐड बाय 1500, बिल्कुल ठीक। डायरेक्टर फी, डायरेक्टर फी होता है खर्चा, और कहाँ है, सिर्फ फाइनेंस में, तो फाइनेंस के प्रॉफिट घट गया और उससे हमारा स्टेटमेंट भी क्या होगा, घट जाएगा। सर कितने से? 2000। सर ये सवाल ना 10 नंबर का आता है और मुझे समझ में नहीं आता, ये एक तरह से लकी ड्रॉ है बच्चे के लिए। तो इनकम टैक्स 15000, इनकम टैक्स 15000, तो इनकम टैक्स फाइनेंस में आ गया होगा। जब फाइनेंस में आया होगा तो खर्चा बढ़ गया, और खर्चा बढ़ने की वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो माइनस में। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स और माइनस में कितना, 15000। रेंट ऑफ ऑन प्रेमिसेस, रेंट ऑफ ऑन प्रेमिसेस यानी रेंट ऑन प्रेमिसेस का क्या है हमारा, ये हमारा खर्चा है एक, रेंट ऑफ ऑन प्रेमिसेस, इनकम टैक्स माइनस, ये क्या है हमारा, एक खर्चा है। तो ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, कॉस्ट शीट में खर्चा है। तो कॉस्ट शीट में खर्चा का मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट कम, और कॉस्ट का प्रॉफिट कम का मतलब फाइनेंस का ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे रेंट, रेंट कॉस्ट में दिखा रखा है, यहां नहीं दिखा रखा। कितने, 6000 रुपए। रेंट के बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, तो चलिए डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। सर कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन है 11250 और फाइनेंस में मेरा है 12000, तो दिमाग आपको लगाना है, यानी सर 750 रुपये का फर्क, और 750 रुपये फाइनेंस में ज्यादा है। और अगर 750 रुपये डेप्रिसिएशन फाइनेंस में ज्यादा है तो इसका मतलब सर उसका प्रॉफिट कम आ रहा होगा, कम आ रहा होगा 750 से, तो हम भी माइनस कर देंगे कितना, 750, 750। चलिए इसके लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर लिया जाए और थोड़ा सा स्पेस बना लिया जाए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट बोला गया एक बार और देखिए। डेप्रिसिएशन में क्या कहता है, डेप्रिसिएशन कहता है कॉस्ट में तो हमने इतना लगाया खर्चा, फाइनेंस में ये लगाया, तो मतलब साफ साफ है कि हमने फाइनेंस में खर्चे को ज्यादा दिखाया है, इसका मतलब उसका माइनस में जाएगा, तो इसलिए हमने 750 माइनस में किया। सर 750 क्यों, जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा उसी खर्चे से ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलिए ट्रांसफर फी क्रेडिट, यहां पे वर्ड है क्रेडिट मतलब इनकम, तो शेयर ट्रांसफर फी, शेयर ट्रांसफर फी, सर शेयर ट्रांसफर फी जो है वो फाइनेंस के अंदर आ गया है, तो पैसा इनकम हो गया है फाइनेंस में, तो यानी प्लस हो जाएगा कितने, 1000 रुपये। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सर यहां 5 और यहां 8, तो एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सर ये खर्चा है, खर्चा है सर एडमिन ओवरहेड। सर कहता है सर भैया कॉस्ट के अंदर ना 5000 खर्चा दिखाया लेकिन फाइनेंस में 8000, इसका मतलब क्या, इसका मतलब फाइनेंस में ज्यादा खर्चा दिखा दिया गया है, यही बात हुई। और फाइनेंस में ज्यादा खर्चा दिखा दिया मतलब प्रॉफिट कम हो गया 3000 से, तो हम भी क्या कर देंगे, माइनस। बस अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं, अब तो हमें एक काम करना है, टोटल, टोटल, तो टोटल करते हैं फटाफट से, टोटल करते हैं सर फटाफट। चलिए 50000, 1500, 6000, 1000, तो ये आ गया 58, 58500, और यही टोटल इधर लिखना है 58500, यही टोटल इधर लिखना है। अब जो डिफरेंस आएगा इधर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर, सर किसके हिसाब से, कॉस्ट से था तो ये फाइनेंस से होगा, फाइनेंस से होगा, माइनस कर देते हैं सर 5000, माइनस 2000, माइनस 15000, माइनस 750, माइनस 3000, ये आ गया 32750, 32750। आपके किताब का ही सवाल है ये 10.2, आप देखिए आपके किताब का ही सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं अलग करा रहा हूँ, मेरा मेन पर्पस है DU को साथ में, और किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो तो सवाल होता है,
और मैं सारे सवाल कराऊंगा जो किताब के, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में किया, फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ 10 ईयर एक ही बार में निपटा दूंगा, जैसे जैसे समय मिलेगा वो कर लेंगे। इस सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत है तो बता दें। सर फैक्ट्री ओवरहेड रिपीट कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर फैक्ट्री ओवरहेड कहता है कॉस्ट में था 8500 और फाइनेंस में 7000, मतलब सर फाइनेंस में हमारा कम खर्चा है, कम खर्चा है। कितने से कम खर्चा है? 1500 रुपये से कम खर्चा है। तो फाइनेंस में अगर कम खर्चा है तो प्रॉफिट अप होगा, तो इसलिए 1500 प्लस कर दिया गया, इसलिए 1500 प्लस कर दिया गया। सर वीडियो बफर हो रहा है, चलिए इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था? कॉस्ट रिकंसलेशन। क्यों बनाया जाता है कॉस्ट रिकंसलेशन? कॉस्ट रिकंसलेशन बनाने का पर्पस ये होता है कि हमारा फाइनेंस का प्रॉफिट और कॉस्ट का प्रॉफिट दोनों डिफर हो जाता है, उसको रेक्टिफाई यानी उसको क्यों डिफरेंस आ रहा है वो बताने के लिए हमने सीखा था ये। इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट रिकंसलेशन में, या तो आप कॉस्ट के प्रॉफिट को बेस मानते हो या फाइनेंस को। अभी हम कॉस्ट के प्रॉफिट को ही बेस मान के करना सीख रहे हैं। तो अगर कॉस्ट का प्रॉफिट यानी बैलेंस एज पर कॉस्ट प्रॉफिट लेते हो, तो उस सिचुएशन में आपको सारा थिंकिंग, सारा सोचना है फाइनेंस के प्रॉफिट के बारे में। अगर फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो हम भी स्टेटमेंट में प्लस कर देंगे, और घट रहा होगा तो हम भी माइनस कर देंगे। कुछ बातें और भी थी याद रखने वाली सर, क्या था क्विक कुछ बातें? क्लोजिंग स्टॉक को एज अ इनकम ट्रीट करना है, ओपनिंग स्टॉक को एज अ एक्सपेंस ट्रीट करना है। ओवर आपका रिकवर का मतलब होता है कम, ज्यादा दिखा दिया कॉस्ट के अंदर, और अंडर रिकवर मतलब कॉस्ट में कम दिखा दिया। अगर मेरे से पूछोगे सर ओवर रिकवर में फर्क क्या पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा, सर फर्क क्या पड़ता है? अगर ओवर रिकवर है ना, वो अंडर रिकवर है, तो इसका प्रॉफिट जो है, कॉस्ट का प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट का प्रॉफिट लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ओवर रिकवर में कॉस्ट का प्रॉफिट क्या होगा सर? कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने कर दिया। कुछ सवाल भी देखे थे इसके बाद हमने, और उस सवाल को हमने डन भी कर लिया था, दो सवाल। आज हम और भी इससे रिलेटेड सवाल देख के फाइनेंस वाला भी आज पार्ट खत्म करने वाले हैं हम। तो चलिए सर, आज सवाल तो लगा दिया है स्लाइड पे, एक हम लॉस वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आपके सामने सवाल है, करते हैं स्टार्ट। कहता है देखिएगा आप, कुछ फर्क नहीं है। कहता है नेट लॉस एज पर फाइनेंस, नेट लॉस एज पर कॉस्ट। तो हम यहां लिखेंगे नेट लॉस एज पर, हम कॉस्ट का लेते हैं हमेशा कॉस्ट, तो लॉस वाले सेक्शन को जस्ट माइनस में लिखना है। तो नेट लॉस कितना है एज पर कॉस्ट? 172। इधर ध्यान दीजिए, 172 400, 172 400। यानी सब लॉस वाला क्वेश्चन होगा ना, तो बस हमें कुछ नहीं करना, जो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते थे उसको कहां से स्टार्ट करेंगे हम? नेगेटिव से, बस यही देखना होगा। यहां पे जबकि बोलोगे सर दोनों का दे रखा है, तो हमने अभी ये वाला सीखा है, तो इसलिए इसको बेस मान करके कर रहे हैं। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जहां पे दोनों दे दे, क्योंकि दोनों देगा तो आपको आंसर ही पता चल जाएगा फिर। तो एग्जाम में जो है ना, हमेशा एक देगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन देगा एक ही, ये ध्यान रखना है, देगा एक ही। सभी को विजुअल है, क्लियर? तो बताइए, आगे बढ़ जाते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए सर अगले पॉइंट पे, वर्क ओवरहेड। सर खर्चा है, वर्क ओवरहेड सर क्या है? खर्चा है, वर्क ओवरहेड खर्चा है। कहता है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर इन कॉस्टिंग, यानी वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर, आप इसका इंपैक्ट बताएंगे। वर्क अंडर रिकवर मतलब सर, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, फाइनेंस का माइनस होगा, तो माइनस कर देंगे, दैट इज 3120 रुपए। ठीक है, एडमिन ओवरहेड ओवर रिकवर। अब बताइए एडमिन ओवरहेड, सर एडमिन ओवरहेड ओवर दे रखा है, तो कॉस्ट के अंदर ज्यादा दिखाया, कॉस्ट के अंदर ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम आएगा, लेकिन जब कॉस्ट का प्रॉफिट तो फाइनेंस का ज्यादा होगा। तो एडमिन ओवरहेड सर, एडमिन ओवरहेड 1700 रुपये। अब आ जाते हैं सर एडमिन ओवरहेड के बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। कहता है सर डेप्रिसिएशन यहां पे ये चार्ज था
और कॉस्टिंग में ये चार्ज था। तो आप देखोगे फाइनेंस में डेप्रिसिएशन कम चार्ज है। आप ध्यान से देखो डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, आपको बताता है डेप्रिसिएशन, ये कर लीजिए, आपको बताता है डेप्रिसिएशन, क्या बताता है डेप्रिसिएशन के बारे में कि सर कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन था ना वो दैट इज 12,500 था, और एफए यानी फाइनेंस में ये सारा फाइनेंस चल रहा है, ये सारा फाइनेंस है और इधर वाला सारा कॉस्ट है, ठीक है। और जो कॉस्ट में डेप्रिसिएशन था ना वो कॉस्ट नहीं, नहीं ये ऐसे कैसे फाइनेंस, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है जी, डायरेक्ट ही चल रहा है जैसे जिसके सामने वो मान लीजिए। तो कहता है जो फाइनेंस के अंदर जो कॉस्ट था डेप्रिसिएशन का फाइनेंस के अंदर वो था सर 11,200 रुपए। इसका मतलब हमने फाइनेंस में डेप्रिसिएशन को कम दिखाया है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितने से कम दिखाया हमने, 1,300 रुपए से कम दिखाया जिससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा किससे, 1,300 रुपए। चलिए डेप्रिसिएशन के बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट रिसीव, बट इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन कॉस्ट। सर इंटरेस्ट रिसीव किया कॉस्ट में नहीं था, तो इंटरेस्ट रिसीव करने से क्या होगा भैया, इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो फायदा ही होगा, प्रॉफिट होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8,000 रुपए। आप बस अमाउंट का ध्यान रखिएगा, आगे पीछे हो सकता है मुझसे। एब्सोलेंस लॉस चार्ज इन फाइनेंस, भैया ये लॉस 5,700 फाइनेंस में चार्ज कर दिया, तो लॉस चार्ज आपने फाइनेंस में किया बस, तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने, 5,700 रुपीज। इसके बाद इनकम टैक्स इन द बुक्स, ये भी फाइनेंस में दिखाया हुआ है, इनकम टैक्स ये भी कहाँ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, कितने रुपए हैं, 40,300। इसके बाद कहता है बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट आ गया सर, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट क्या होगा, ये बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट कितने रुपए, 750। अब आ जाते हैं सर बैंक इंटरेस्ट के बाद कहता है स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट। सर स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट, जगह कम नहीं पड़ा अभी अरेंज कर देते हैं, लीजिए। अरे चलिए स्टोर एडजस्टमेंट, सर स्टोर एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट है तो फायदा हो जाएगा 475 रुपए। इसके बाद कहता है डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक चार्ज फाइनेंस, तो डेप्रिसिएशन से नुकसान है सर ये, तो कितने, 6,750। अब जिधर का टोटल उधर का काम, हमें टोटल इधर का ज्यादा दिख रहा है। इसका आंसर पता है क्या आएगा, आपका लॉस आना चाहिए ये, अगर ये उत्तर आ गया फाइनेंस का, क्योंकि जो नीचे लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर, नीचे नीचे हम लिखने वाले हैं लॉस एज पर फाइनेंस, तो पहले से दे रखा था वही आंसर मैच होना चाहिए। तो 1,72,400 + 3,120 + 5,700 = 4,0,367.50 सर ये आ गया 22,8,270, 22,8,270 माइनस में 1,700, माइनस 1,300, माइनस 8,000, माइनस 750, माइनस 475, तो ये 216,045, 216,0। तो क्या लगता है ये सवाल आपको एग्जामिनर देगा जिसमें आंसर भी दे रखा हो, नहीं, फिर तो बच्चा कर ही लेगा इधर उधर करके, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं देगा बाकी देगा। तो पहले बताइए इस सवाल में किसी को डाउट, अरे भाई आज ही स्टार्ट हुआ है, आधी चैप्टर अभी चलेगा, 2 से 4 दिन और चलेगा, अभी तो आज से स्टार्ट किया हमने, मतलब 2 दिन हो गए स्टार्ट, किसी को दिक्कत, इंटरेस्ट वाला रिपीट कर दो। यहाँ दो इंटरेस्ट है, एक बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट है, तो फाइनेंस में क्रेडिट हो गया तो इसलिए प्लस में आ गया, दूसरा पहले ही कह रहा है सर इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट इंक्लूड इन द कॉस्टिंग, कहीं से ब्याज आया होगा मेरा, तो ब्याज आया तो पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया, पीएनएल किसका होता है, फाइनेंस का होता है, फाइनेंस के क्रेडिट में यानी प्रॉफिट को अप कर दिया, इसलिए प्लस में लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, चलिए चलिए चलिए, सवाल आपका ऐसा आएगा, और ये क्वेश्चन पूरे 15 नंबर का बनता है, ये क्वेश्चन मार्क क्यों,
नहीं देना चाहिए, दिया क्यों नहीं? या तो कोई अमाउंट यहाँ से मिसिंग हो गया है। कितने हैं रुपीज? अच्छा यहाँ पे रुपीज का सिंबल है, वही कहूँ, क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं। चलिए सर चलिए, ये रुपीज है ना। चलिए सर, ये ऐसे सवाल कैसे करना है, आपको जो दे रखा है ध्यान से देखिए क्या दे रखा है सर। प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ बच्चों को शायद ना दिख रहा हो, मैं इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है चलिए, आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, बड़ी सीधी सी बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस में बड़े सारे खर्चे हैं, बड़े सारे इनकम है, और आपको कॉस्ट शीट के बारे में कहीं नहीं बताया। बस ये बोलता है कि कॉस्ट अकाउंट मैनुअल स्टेट फैक्ट्री ओवरहेड टू बी रिकवर 50% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस, एडमिन ओवरहेड 10%। यानी फैक्ट्री, यानी कॉस्ट शीट बना के नहीं दिया, लेकिन कॉस्ट शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दिया। तो आपको फाइनली क्या करना है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट, यानी आपको कॉस्ट शीट बनाना है सर। ये सवाल तो है, ये साथ के साथ आपको रिकंसलेशन भी करना है, यानी दो सवाल पूछ लिया इसमें। तो आपको पहले क्या करना है, कॉस्ट शीट बनाना है। तो पहले हम फटाफट से कॉस्ट शीट बना लेते हैं, और कॉस्ट शीट आपको पूरा वही फॉर्मेट, मैंने इस चैप्टर को इसलिए बोला कि भैया जिसे कॉस्ट शीट नहीं आता वो नहीं कर पाएगा ये चैप्टर। क्यों नहीं कर पाएगा, देख लीजिए, अब आ गया ना कॉस्ट शीट, तो उसे पता ही नहीं होगा, तो वो परेशान हो जाएगा अननेसेसरी। तो कॉस्ट शीट के हेडिंग सारे याद होने चाहिए सर। चलिए फटाफट से कॉस्ट शीट के सारे हेडिंग जो याद है मुझे, मैं लिख लेता हूं, और आपको भी याद होना चाहिए, आपको भी याद होना चाहिए। चलिए लिख लेते हैं, सबसे पहले लिखते थे हम प्राइम कॉस्ट। अब इसके अंदर देखिए वर्क इन प्रोग्रेस है, तो क्या आएगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट सर। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट सर। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद आता है सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और लास्ट में आता है हमारे पास सेल्स। लास्ट में आ जाता है सर सेल। ये कलर गलत ले लिया इन्होंने, चलिए फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, लास्ट में आता है सर सेल्स। ये हेडिंग तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था, ठीक है, ये हेडिंग जो है ये काफी पहले देख लिया था, यहां पे नहीं आएगा ये। चलिए और भी इसमें अभी काम बाकी है सर। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, और यहां क्या आएगा हमारा डब्ल्यू आई पी, और यहां क्या आएगा हमारा एडमिन ओवरहेड, और यहां क्या आएगा सर एफ जी, और यहां पे क्या आएगा सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में यहां बीच में क्या निकलेगा, प्रॉफिट। ये सारी बातें आपको याद होनी जरूरी है, अगर याद नहीं है तो फिर आपको मैंने बता दिया, याद होना चाहिए। चलिए सर, पहला कहता है कॉस्ट शीट में सबसे पहली बात हम क्या लेंगे, परचेज डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, पहले जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो उसी को ले लेते हैं हम, जो जो इंफॉर्मेशन जानकारी दे रहा है उसको ले लिया जाए सर। बिल्कुल, कहता है कॉस्ट अकाउंट मैनुअल स्टेट फैक्ट्री ओवरहेड, यानी आर रिकवर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जितना डायरेक्ट वेजेस है, ये है डायरेक्ट वेजेस, उसका 50% है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ले लेते हैं।
ओवरहेड, तो ये सर 20,000 है तो ये आएगा 10,000। पहले पॉइंट सबको समझ में आया, हाँ या ना बोल दीजिए। समझ में आया सर? क्वेश्चन ठीक से शो नहीं हो रहा, अब देख लीजिए एक बार, नहीं हो रहा थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, मेरे पास तो स्पेस है, ये लीजिए, मे बी अब शो हो रहा होगा आपको। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लेना है दोनों में से? भैया जिस जो प्रॉफिट दे रखा होगा वही लेना होगा, दोनों कभी एग्जामिनर देगा ही नहीं। चलिए अगले पॉइंट को पढ़ते हैं, क्या और कह रहा है, और क्या कह रहा है, इसे मिटा लेते हैं। यहां पे कलर जो चलने वाला है ना, ये कलर दिखेगा नहीं बच्चों को, तो ये ले लेते हैं, ये भी पहले यूज कर लिया हमने, क्या ले ले फिर, रेड लेते हैं, रेड यूज नहीं किया। और अगर मैं ब्लू लूँ तो ब्लू दिखेगा क्या? ब्लू तो दिखेगा ही नहीं, रेड ही लेता है। चलिए अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद डायरेक्ट वेजेस का एडमिन एक्सपेंस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। सर दैट इज वर्क कॉस्ट, इसे बोलते हैं वर्क कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम वर्क कॉस्ट, तो इसका 10%, तो पहले ये आएगा उसी के बाद ये निकाल सकते हैं। चलिए सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1 रुपीज पर यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट बेचा है उसका 1 रुपया खर्चा आएगा। द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड 4,000, ओके सर 4,000, तो कितना आएगा सर 4,000 गुना में 1 रुपए, यानी सर 4,000 रुपए का ये खर्चा है। 257 रिस्पेक्टिवली कहता है द यूनिट प्रोडक्ट सोल्ड एंड इन हैंड, यानी सर ये वाला जो स्टॉक है ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। बड़े आसान सी बात है, जो जानकारी यहां से लेनी थी हमने ले ली सर, अब जो जानकारी हमें और अलग से लिखना है लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटीरियल, यानी जो चीजें यहां नहीं दे रखी तो यहां तो होगा ही, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल, यानी सर यहीं से उठा उठा के लिखना है अब आपने, 10,000 रुपए ये ले लिया जी। इसके बाद डायरेक्ट लेबर आएगा बिल्कुल, ये कितने 20,000। फैक्ट्री एक्सपेंस, सर फैक्ट्री एक्सपेंस ऑलरेडी ले रखा है आपने, अब नहीं लेना आपने, ये नहीं कि ये भी उठा के लिख दो आपने, इसके अकॉर्डिंगली फैक्ट्री ओवरहेड को ही तो कहते हैं, अकाउंट्स में एक्सपेंस होता है और कॉस्टिंग में इसका मॉडर्न नाम हो जाता है ओवरहेड, समझे बात। तो जो चीजें यहां एग्जिस्ट कर रहा है और आपने यहां पे लिख भी लिया, तो ऐसा नहीं इसे भी उठा के लिख लोगे, सर लिख लिया है, फर्क आ रहा है तभी तो कॉस्ट रिकंसिलेशन करेंगे। आगे कहता है एडमिन एक्सपेंस, सर ले लिया है या नहीं लिया? नहीं लिया, और ये वाला लेना भी नहीं है हमें, अपने वाला निकालना है यहाँ पे एडमिन एक्सपेंस, ठीक है ना। चलिए सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले चुके हैं, इसके वाला कोई काम का नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे किसी काम का होता भी नहीं है, हमारा काम का नहीं है, रेड मार्कर ले लेते हैं। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे किसी काम का नहीं होता, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ले चुके हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ सर फाइनेंस का ही खर्चा है, मेरा क्या काम का है। सेल्स लेना है सर, 50,000 रुपए का सेल है, सेल्स 50,000 का है, तो ये लीजिए 50,000 रुपए का सेल्स है, ये ले लिया 50,000 का सेल्स। वर्क इन प्रोग्रेस इन हैंड, यानी क्लोजिंग है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस देखा जाए तो यही सबको वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है, आप जब सेमेस्टर 5 में आएंगे तो समझेंगे वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड नहीं होता, जब वर्क इन प्रोग्रेस में जाते हैं तो वहां पे सारी चीजें मिल जाता है, उसके अंदर लेबर भी इंक्लूड होता है, उसके अंदर ओवरहेड भी इंक्लूड होता है, उसके अंदर आपका रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है। क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है सर, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है आपने काम को शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही आपने काम को स्टार्ट किया होगा तो मान लेते हैं उसके अंदर लेबर तो लगी गया जो काम कर रहा था, मटेरियल भी लगी गया जितना लगना था, ओवरहेड खर्चे भी लगी गए, तो इन तीनों को मिला के, यानी सर मुद्दे की बात हमें यह लेना है, यानी सर यहां पे दे रखा है 1300, तो WIP क्लोजिंग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां कोई जानकारी नहीं थी तो 1300 इसको क्या कर देंगे हम, नेगेटिव कर देंगे। फिनिश गुड्स, सर फिनिश गुड्स 2700, जबकि यहां पे कह रहा है कि भैया ये वाला मत लो, हम बोल रहे हैं वो वाला निकालो, तो हम यहां से निकालेंगे फिनिश गुड्स का कॉस्टिंग, ये वाला नहीं लेना है हमें। चलिए सर यानी सर सीधी सी बात है, यहां से निकल गया प्राइम कॉस्ट कितने का, 30,000 का, ये आ गया हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने का, 40, 40,000 में से 1300 माइनस कर दोगे कितना आ गया 38,700, ये इसका 10% होगा, सवाल खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तो यहां पे पहुंच गए हम सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का है, बस 3870, 42,570 रुपए।
अब आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। कैसे सर? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। सर प्रोडक्शन कॉस्ट तो निकाल लिया, 42,570, यही निकाला ना। और यूनिट जो है प्रोडक्शन कितना है वो निकालने की बात है, निकाल लेंगे सर। अब देखिए सेल्स आपने कितने यूनिट किए, 40,000, और आपने बचा भी लिए इतने तो बेचे यूनिट, और 257 आपने बचा लिए, तो कितने हो गए, 4,257। कहने का मतलब सर है कि आपने माल जो बनाया होगा वो 4,257 बनाया होगा, तो एक यूनिट का खर्चा आ गया 10 रुपए। तो क्लोजिंग स्टॉक का जो होगा ना, आपका क्लोजिंग स्टॉक फिनिश का होगा ना, तो दो कितने थे हमारे सर, 4,257 इंटू में 10, तो सर ये आ जाएगा हमारा 2,570। 2,500, ये ना कोई नई बात नहीं है, जिन्होंने कॉस्ट शीट किया है उनको पता है, वेल नो कि कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी लिखवाया है, तो मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। वहां पे याद होगा फॉर्मूला लिखा था, प्रोडक्शन यूनिट या सेल्स यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस प्रोडक्शन यूनिट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करके निकाल लिया। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ ना, आपने आपके पास शुरू में तो कुछ माल था नहीं, आपने जो बनाया बेच दिया और बच भी गए, तो आपने बनाए 40,000 और बच भी गए, तो टोटल कितना बनाया होगा, प्रोडक्शन तो उसी को कहते हैं, तो जोड़ लीजिए आपने कितना बनाया होगा। आपने 4,257 बनाए होंगे, 257 बच गए, बाकी क्या हो गए, बिक गए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, तो फटाफट से माइनस कर लेते हैं, 40,000 आ गया, 40,000 सर इसको प्लस कर लेते हैं, और हमारी उम्मीद जिसे थी हमें 6,000 रुपये निकाल लिया है। बताइए किसी को दिक्कत सर? 61,68 प्रॉफिट, नहीं 61,68 नहीं आ रहा, देख लीजिए आप सर, क्वेश्चन लिंक से शो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक से, ठीक है ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत? यहां अगर कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अब इसके अगले स्टेप में हम बढ़ने वाले हैं, और इसके स्टेप से तब तक बढ़ना फायदेमंद नहीं है जब तक ये समझ में ना आ जाए। मैंने इस सेल्स 40,000 यूनिट है, ये यूनिट 4,000, ओके 40,000 लिख दिया मैंने, 40,000, एक दो जीरो मेरे से पता नहीं क्यों आगे पीछे क्यों होता रहता है, ये लो काट दिया 4,000, 4,257, अरे 200, वो तो मैंने जोड़ के लिया था 4,000, और ये लिखने में एक जीरो निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अगले पॉइंट पे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत है तो बता दो भाई। जितने बच्चे लाइव क्लास में है, लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं, कॉस्ट शीट बना दिया आप बता दीजिए फटाफट, किसी को दिक्कत है? जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको तो बड़ी दिक्कत होगी इसमें, तो उनका तो कोई अभी कह नहीं सकता, उनको पहले पुरानी क्लास देखनी होगी तो समझ में आएगा। लाइव क्लास में जो बच्चे हैं, किसी को प्रॉब्लम फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा दोबारा। यानी सर एक बार क्विकली बता दूं सर, इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन कॉस्ट शीट से रिलेटेड था वो तो पुट कर लिया, और बाकी हम फाइनेंस से भी इन्फॉर्मेशन निकाल के कॉस्टिंग में लिखेंगे। जो फाइनेंस का प्योरली खर्चा उसे छोड़ देंगे, और जो खर्चा आप ऑलरेडी लिख चुके हो, और यहां दोनों जगह है, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है वो यहां पे आ जाएगा, और जो खर्चा आपका दोनों जगह कॉमन रहता है वो यहां पे आएगा। चलिए सर अब रिकंसलेशन करेंगे। सबसे पहले तो रिकंसलेशन किस किस का किया जाएगा? अरे मार्कर तो दूसरा लेना होगा, कौन सा मार्कर ले, ये दिखेगा मेरे हिसाब से, ये तो दिख जाएगा, हाँ दिख रहा है। चलिए अब देखिए, जो चीजें मैच होगा, जो चीजें मैच्ड हो जाएगा, उसका कॉस्ट रिकंसिलेशन में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले आप बेस किसको मानेंगे सर? आपकी इच्छा है, आप बैलेंसेस पर कॉस्ट शीट ले लीजिए, या फिर बैलेंसेस पर फाइनेंस, दोनों ही सीख लिया मैंने, तो अभी ताजा ताजा हमने ये सीखा है तो ये ले लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए मटेरियल, मटेरियल यहां भी 10,000 और यहां भी 10,000, तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमारा रिकंसिलेशन बनाते टाइम पे। लेबर यहां भी 20,000 और यहां भी 20,000, इसका भी कोई रोल नहीं है रिकंसिलेशन बनाते टाइम पे। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 और 9,500, सर इसके बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके बारे में टिक कर रहा हूं वही कंपेरिजन में जाएगा, जिसके आगे टिक क्रॉस लगा रहा हूं वो कंपेरिजन होके तो जीरो ही हो जाना है हमारा। ठीक है, एडमिन एक्सपेंस 5,200 और यहाँ पे सर एडमिन एक्सपेंस कितना आया था, 3,870, सर ये भी जाएगा कंपैरिजन में। सेलिंग एक्सपेंस 4,000 और 3,800, ये भी जाएगा, ये रहा 4,000। देखिए
इंटरेस्ट लिया ही नहीं यहां पे तो कंपैरिजन में जाएगा, गुडविल लिया ही नहीं कंपैरिजन में जाएगा। अब आ जाते हैं सेल्स, दोनों जगह पे सेल सेम है तो कंपैरिजन में ये, और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों जगह पे सेम है तो ये भी। क्लोजिंग स्टॉक यहां 2700, यहां पे 2570, तो बिल्कुल सर कंपैरिजन में ये जाएगा। समझ में आई बात? यानी जब हम कंपेयर करेंगे तो मैंने पहले ही टिक कर लिया कि किस किस चीज को लेना है और किसको नहीं लेना है। क्लियर आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है क्या किसी को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लियर हो रहा है ना आप सभी को कि क्या पढ़ रहे हैं हम? चलिए नए पेज पे लेते हैं और रिकंसिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। हालांकि बनाना तो इसी पेज पे चाहिए था, बट जगह है नहीं, फिर कंजेस्टेड हो जाएगा। वैसे सोच रहा हूँ इसी पेज पे बनाऊं तो क्या दिक्कत है? नहीं दिखेगा फिर, है ना? आराम से कर लेंगे थोड़ा सा पढ़ पढ़ के। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आएगा पूरे 15 नंबर का, क्योंकि एग्जामिनर ने आपसे सब कुछ पूछ लिया ना, दो चैप्टर कवर कर लिया एग्जामिनर ने। अब एक चीज ध्यान रखिएगा सर, क्या ध्यान रखना है कि अगर कॉस्ट शीट गलत हुआ ना आपने, अगर आपका कॉस्ट शीट गलत हुआ ना तो फिर कुछ नहीं है, आपका ये भी गलत ही आएगा। कॉस्ट शीट गलत हुआ तो ये भी गलत आएगा। तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा एग्जाम में, वैसे देखो मैं एग्जाम के टाइम पे ट्रिक बताता हूँ कि भैया जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको ऐसे सॉल्व करना, मैं अभी बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आया तो कभी भी आप ये वाला प्रॉफिट उठा के मत करना, क्योंकि इसके अंदर गलती के चांसेस कर सकते हो आप, कर दोगे गलती इसके अंदर। अगर ये प्रॉफिट उठा लिया तो डेफिनेटली पूरा ही गलत 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 चला जाएगा आपका। बेटर है आप इसका प्रॉफिट उठाओ, ये तो गलती नहीं करेगा। ये प्रॉफिट उठाएंगे फिर इसमें से आइटम उठा लेंगे तो हमारा 90% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अगर हमारा कॉस्ट शीट गलत भी बनाया हो तो आपको अगर एग्जाम में प्रॉफिट पिक करना हो तो सर सिंपल सी बात है, हम फाइनेंस का पिक करके देख करेंगे और जल्दी इजिली हो सकता है। और हमने कॉस्ट, चलो हम भी फाइनेंस का ही कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो फाइनेंस का सीखा है, मेरे दिमाग से निकल गया कि कॉस्ट का सीखा है। हमने फाइनेंस का प्रॉफिट लेके कॉस्ट का निकालना तो सीखा है, हम ये भी अभी ले लेते हैं, ठीक है? तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंस सर कितने दे रखा है, मैं आपको दिखा के लिखूंगा। 3000 रुपए, 3000 रुपए, 3000 रुपए कितने दे रखे हैं? 3000 रुपए, 3000। चलिए सर 3000 के बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। आगे जिसके आगे क्रॉस लगाया उसको तो देखना भी नहीं है भाई, क्रॉस लगा दिया नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। अब जिसमें टिक लगाया वो फैक्ट्री एक्सपेंस, हमें ये वाला बेस ले लिया तो प्रॉफिट किसके बारे में सोचना है? कॉस्ट। यहां पे खर्चा 9500 और यहां पे खर्चा 10000, यानी यहां पे खर्चा क्या है? ज्यादा है, तो जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आ रहा होगा? कम आ रहा होगा, तो हम भी माइनस कर देंगे। क्या किस नाम से था हमारा ये फैक्ट्री? और कम कर देंगे सिर्फ 500 रुपए से। सर 500 क्यों लिया आप देखो ना, 9500 और 10000, तो 500 ही तो ज्यादा दिखाया, तो इसलिए कितना ले लिया हमने? 500 ले लिया। चलिए सर आगे चलते हैं। एडमिन ओवरहेड टिक लगा लिया था, 5200 एडमिन और यहां पे 3870, यानी एडमिन ओवरहेड देखा जाए तो 5200 और 3870 कम दिखाया सर। कितना कम दिखाया हमने? 1330, यानी इसके अंदर 1330 कम दिखा रखे हैं। इसमें अगर हमने 1330 कम दिखा रखे हैं तो खर्चा कम दिखा रखा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो स्टेटमेंट में हम भी बढ़ा देंगे एडमिन एक्सपेंस। और इसको स्टाइल में लिखना चाहते हो तो एडमिन एक्सपेंस अंडर रिकवर कर सकते हो, और इसको क्या कर दोगे? ओवर रिकवर, ठीक है? तो कितना हो गया अंडर रिकवर? 1330 रुपए। चलिए अरे कहां आ गया, आगे चलते हैं सर। इसके बाद क्या आ जाते हैं? सेलिंग 3800 और 4000। सर 3800 और 4000 कौन बच्चा बताएगा क्या ट्रीटमेंट होगा? यानी हमने इसके अंदर 200 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। जल्दी बताइए फटाफट कमेंट में, 200 रुपए ज्यादा बता रखा है? सभी बच्चे फटाफट कमेंट में बताएं, 200 रुपए ज्यादा दिखा रखा है, क्या होना चाहिए? हम प्रॉफिट किसके बारे में सोच रहे हैं? कॉस्ट के बारे में प्रॉफिट सोच रहे हैं। ऊपर लिख भी देता हूं कॉस्ट शीट, कोई बच्चा ये ना सोचे वर्किंग नोट है ये कॉस्ट शीट।
बच्चों ने जवाब दे दिया, दिया का सबसे पहले आंसर माइनस 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 माइनस, बिल्कुल सही जवाब, माइनस होगा। यानी सर कितने रुपए माइनस होगा, मैं भी भूल गया, 200 रुपये माइनस होगा। तो चलिए क्या था हमारा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 200 रुपये माइनस का। चलिए सर आ जाते हैं, अब इसके बाद ये भी हो गया हमारा, ये हो गया सर। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे खर्चा है, यहां है ही नहीं खर्चा। अब यहां पे भाई खर्चा ही नहीं दिखाओगे तो इसके प्रॉफिट तो बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। कितने रुपए, 1000। मैंने देखा नहीं, आपने बता दिया, देख लेते हैं 1000 रुपीज। चलिए ऐसे गुडविल, यहां खर्चा है और यहां खर्चा नहीं है, भाई सोचना कॉस्ट तेरे बारे में ही है, तेरे इसके पास खर्चा नहीं मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ, सर गुडविल रिटर्न ऑफ कितने आएंगे, 1500 रुपए से बढ़ गया। आ जाइए नेट प्रॉफिट को नहीं लेना भैया, टिक लगा रखा है लेकिन ऐसा मत सोचना कंपेयर करूंगा, वो तो कर ही रहे हम। सेल्स को नहीं लेना, WIP नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को क्या मानते हो, एज अ इनकम, तो क्लोजिंग स्टॉक सर 2700 और यहां पे इनकम 2570, तो यानी कॉस्ट के अंदर इनकम कम है और कॉस्ट के अंदर कितना कम है, 2700 वहां दिखा रखा है, यहां पे 2570, मतलब सर 130 कम है, तो हमारा भैया तेरा प्रॉफिट भी तो कम आ रहा होगा, कितने से, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग FG 100। अब इसको जब हम पूरा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए सर, हमारा आंसर 6000 आना चाहिए, अगर 6000 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया है। तो 3000, 1330, 1000, 1500, ये अरे 3000, 1330, 1000 और 1500, 6830। अब आप सोचो क्या एक इक्वल आ जाए, -500, -200, -130, लो जी लो आ गया 6000, तो हमारा ये आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। चलिए सर बताइए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, ऊपर देखिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है, आपको इतना तो पहले फर्स्ट क्लास में लिखता हूँ, कॉस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिखना है और पर्टिकुलर वगैरह वो चीज आप एग्जाम में ध्यान दोगे ही दोगे। सर रिकंसिलेशन इजी हो जाता है इस टाइप से क्वेश्चन, दोनों कॉस्ट शीट और फाइनेंस अकाउंट कंपेयर हो जाता है, बिल्कुल देखिए रिकंसिलेशन इजी है, जो बच्चा बोल रहा है इजी है, बहुत इजी चैप्टर, मैं भी कहता हूं, बस इलस्ट्रेशन के आंसर को मत देख लेना आप, मैं आप सभी से बोलने चाहता हूं, आप एक बार देखोगे, मैं मना कर रहा हूं ना तो बच्चे जानबूझ के देखते हैं, ऐसा क्यों मना किया था, तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, होपफुली नेक्स्ट मंथ के 15 तक आने की उम्मीद है आपका। सर इंटरेस्ट बता दो, इंटरेस्ट बता देते हैं, अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट आपका डेबिट में है यानी खर्चा है फाइनेंस में, आपको सोचना कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट में इंटरेस्ट दिखा नहीं रखा सर, अगर कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रखा दैट मींस क्या, दैट मींस सर इसका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि खर्चा था, खर्चा यहां नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, तो इसलिए मैंने इंटरेस्ट यहां प्लस कर दिया, देखिए यहां इंटरेस्ट हमने प्लस कर दिया है। ठीक है एक और सवाल हो जाए, सर आंसर तो मैच होगा ना, हाँ आंसर तो बिल्कुल मैच ही होगा, क्या दिक्कत है, आप एक बार ऐसा करिएगा ना खुद की तसल्ली के लिए ना, एक बार बेस मान लीजिएगा इसका प्रॉफिट और उसको कंपेयर करके कर लीजिएगा। चलिए सर, सर हम क्या देख रहे थे, एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ, क्या कॉन्सेप्ट कर रहे थे और क्या समझ रहे थे, हमारे पास फाइनेंस होता है और एक कॉस्ट होता है, ठीक है कुछ बातें जो सीखेंगे जो कि हमारे आगे कॉन्सेप्ट में यूज होगा। मान लो यहाँ पे हमारा जो है ना वो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है सपोज 27000, ठीक है। अब मैं यूनिट प्रोड्यूस चाहे मैं 1 लाख करूं चाहे मैं 1.5 लाख करूं,
जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो कितना रहने वाला है सर? 27,000 ही रहेगा। लेकिन कॉस्ट का थोड़ा सा ट्रेंड अलग होता है। कॉस्ट कहता है क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट पे विश्वास करते हैं। कॉस्ट वाले बोलते हैं भैया हम तो पर यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करके देते हैं। तो अगर हमने, आप सबसे पहले ये बताओ ये 27,000 रुपये कितने यूनिट बनाने का है? तो मैंने बोला भैया ये 27,000 यूनिट जो है वो 2,25,000 यूनिट बनाने का है, ये लो। अब मैं 5,000 यूनिट बनाऊं चाहे 4,000 यूनिट बनाऊं, लगना तो 27 है, ये फाइनेंस वाले बोलते हैं। लेकिन कॉस्ट वाले बोलते हैं कि हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं, इसलिए अगर हम 10,000 यूनिट बनाएंगे ना तो हमारे लिए जो फिक्स कॉस्ट होगा कुछ और होगा, और अगर हम 4,000 यूनिट बनाएंगे तो हमारे लिए जो फिक्स कॉस्ट होगा कुछ और होगा, क्योंकि ये पर यूनिट पे करेंगे। तो सर अगर ये 10,000 यूनिट बनाते हैं सपोज करो, या मान लो मैं बोलता हूँ कि 1,50,000 यूनिट बना रहे हैं, तो 1,50,000 यूनिट अगर ये बनाते हैं तो कितना होगा फिक्स कॉस्ट? तो सर फिक्स कॉस्ट होगा हमारा 27,000। ये तो 27,000 किस पे है सर? ये 27,000 है पूरे फाइनेंस पे, मतलब के पूरे कितने यूनिट पे। हम इस फिक्स कॉस्ट में मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना वो 2,25 बना सकते हैं। तो ये 2,25,000 यूनिट बनाओगे तो खर्चा कितना आएगा? 27,000। इससे ऊपर बना ही नहीं सकते, यानी ये कैपेसिटी है सर। कितना कैपेसिटी है सर? ये 100% कैपेसिटी है एक तरीके से। लेकिन कॉस्ट शीट में हम ऐसे नहीं चलते कैपेसिटी बेस पे। अगर कॉस्ट शीट में हमने एक ही यूनिट बनाया, सपोज करो कॉस्ट शीट में मैंने यूनिट ही वन बनाया, तो ऐसे तो बोलोगे सर यूनिट वन का खर्चा आपका 27,000 और आपका वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 20 रुपये, तो 27,000 20 रुपये का सामान बेच दो तो कोई खरीदेगा ही नहीं, नहीं खरीदेगा, क्योंकि कॉस्टिंग में तो एक यूनिट का कॉस्ट निकाल के फिर कितने का बेचना ये सारा अंदाजा लगाया जाता है। तो मैं बड़ी सिंपल सी बात करूं सर, कुछ नहीं दिख रहा सर, दोबारा मैं रिपीट करता जाऊंगा जब तक सभी बच्चों के मैं कंसर्न नहीं ले लेता का आंसर, दो तीन नहीं निकलवा लेता, जब तक मैं कॉन्सेप्ट नहीं बदलूंगा मैं इसको। चिंता मत करिए जो लेट ज्वाइन हो पाए। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारा कॉस्ट है और एक फाइनेंस है। फाइनेंस के अंदर आपका टोटल खर्चा जाता है फिक्स कॉस्ट का, हम बात कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट का, लेकिन कॉस्ट के अंदर टोटल खर्चा फिक्स कॉस्ट का नहीं जाता, पर यूनिट के हिसाब से निकलता है। यहाँ पे जो निकलता है ना वो निकलता है पर यूनिट के हिसाब से। तो बड़ी बेसिक सी बात है, मैं कहूँ यहाँ पे अगर मैंने बनाया 1,00,000 यूनिट तो बोलूंगा सर खर्चा आएगा सर 27,000 फिक्स कॉस्ट का। मैंने बोला अगर मैं 1,50,000 बनाऊंगा तो बोलोगे सर 27,000 आएगा। मैंने कहा 2,25 बनाऊं तब भी सर 27,000 आएगा। यानी यहाँ पे यूनिट चेंज होने से हमारा फिक्स कॉस्ट नहीं बदल जाता, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट किसके ऊपर कंसीडर करता है? पर यूनिट कॉस्ट पे, तो यहां बदल जाएगा। अगर मैं यहां कहूं कि भैया मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो मैं फिक्स कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 27,000 जो है ना ये खर्चा, ये तो 2,25,000 यूनिट पे है टोटल देखा जाए। 27,000 जो एक्सपेंस है वो कितने यूनिट पे है? 2,25,000। अब मैं पूछ लूं कि 10,000 यूनिट का बताओ तो मैं मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा 10,000, तो मेरे पास एक रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज हमारा कितना फिक्स कॉस्ट लगेगा कॉस्ट शीट के अंदर। तो जवाब आ गया सर 1,200 रुपये। तो जितना फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट लगता है ना कॉस्ट के अंदर, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन। और फाइनेंस के अंदर जो होता है वो लगता है एक्चुअल, एक्चुअल मतलब जितना हुआ भैया पूरा दिखाना है। लेकिन कॉस्ट शीट में एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सोखना, कि इतना पार्ट ही फिक्स कॉस्ट का ले पाया है वो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आए सभी कोशिश करेंगे। मैंने बोला कि मैं 1,00,000 यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, 1,00,000 यूनिट बनाऊंगा, तो मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट कितना होगा? मुझे बताइए फिक्स कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग बताना है कितना होगा, जल्दी बताइए फटाफट। काजल सिंह, हिमांशु, काजल, अशरफ, जितने बच्चे हैं बता के बताइए कितना होगा। 12, देखते हैं कौन बच्चा देता है सबसे पहले जवाब।
गौतम ने दे दिया जवाब, सॉरी गुनगुन ने दे दिया जवाब, दिव्यज ने भी 12,000 कर, किरण ने भी 12,000, और भी बच्चों ने 12,000 रुपये जवाब दिए हैं। तो सर ये 12,000 रुपये, सभी का जवाब 12,000 12,000 12,000 आ रहा है, यहां तक समझ में आया। चलो और भी सवाल पूछ लेते हैं। चलो आपने बता दिया 1 लाख पे खर्चा आएगा सर 12,000, आपने जो बताया लिख लिया। अगला क्वेश्चन मेरा, मुझे बताओ अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग 1.5 लाख यूनिट करूं तो मेरा फिक्स कॉस्ट क्या होगा, और यहां पे भी बताना फिक्स कॉस्ट क्या होगा, यानी फाइनेंस में भी बता दो फिक्स कॉस्ट क्या होगा और कॉस्ट में भी बता दो फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। मैं 1.5 लाख यूनिट बनाना चाहता हूं तो कॉस्ट के अकॉर्डिंग फिक्स कॉस्ट क्या होगा और फाइनेंस के अकॉर्डिंग फिक्स कॉस्ट क्या होगा, बता दो। एक जवाब आ गया मेरे पास ऑफलाइन वाले बच्चों का। वंशिका ने बोला सर कॉस्ट होगा 18,000, वंशिका ने बोला फाइनेंस में 27,000, वंशिका का सबसे तेज आंसर आया यहां पे। यानी सर अठारह हजार, 18,000, 18,000 कॉस्ट में 18, ठीक है, यानी सर यहां पे आएगा 18,000 आप कहना चाह रहे हैं और यहां पे आएगा 27,000। एक और सवाल बताइए, अगर मैं यहां पे बनाऊं मैन्युफैक्चरिंग 2,25,000, अगर मैन्युफैक्चरिंग करूं मैं 2,25,000, तो मुझे बता दीजिए यहां का फिक्स कॉस्ट कितना होगा और यहां का भी बताइए फिक्स कॉस्ट कितना होगा। क्या दोनों जगह सेम रहेगा, दोनों जगह सेम रहेगा? गुनगुन ने फाइनेंस का बता दिया। एक बार फिर से मैंने कहा कि यहां पे अगर मैं यूनिट मैन्युफैक्चर करता हूं 2,25,000 और यहां भी मैं यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं 2,25 ही, तो बताइए फाइनेंस में कितना फिक्स कॉस्ट होगा और कॉस्ट में कितना फिक्स कॉस्ट जाएगा। सेम बच्चे बोल रहे हैं, सेम सेम का मतलब सत्ताईस सत्ताईस सत्ताईस, बिल्कुल ठीक, यानी 27,000। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई कि फाइनेंस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो टोटल बेसिस पे होता है और कॉस्टिंग के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो पर यूनिट के बेसिस पे होता है। ये बात समझ में आई कि आपको, क्लियर है? फिर सवाल पे बढ़ जाएं, सभी बच्चों ने 27 दे दिया, या एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलिए एक और सवाल पूछते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट पक्का ना हो जाए तो मजा नहीं आएगा। मान लो ये मैं आपके सामने एक पीएनडल दे रहा हूं, मान लो आपके सामने एक पीएनडल है, ये बनाया पीएनडल। अब मैं आपको जानकारी ऐसे नहीं दूंगा, थोड़ा सा मैं सोच देखता हूं आप कितना दिमाग लगाते हो। मैंने कहा, मैंने कहा सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ये है हमारा 9,000, सेलिंग एक्सपेंस है 9,000। नीचे लिखा मैंने सेलिंग एक्सपेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट अप टू 3,000। सर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स। मैंने बोला 3,000 रुपये तो हमारा सेलिंग एक्सपेंस क्या है? फिक्स। बैलेंस, बैलेंस वेरिएबल, यानी सर जो ये 9,000 रुपये आपको दिख रहा है इसमें दोनों है, इसमें फिक्स भी है और इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है, दोनों है, ठीक है? अब मैंने साफ साफ लिखा है कितना फिक्स है और कितना वेरिएबल है। जो हम ये जो फिक्स दिया जा रहा है आपको, जो ये फिक्स दिया गया है, अगर 100% कैपेसिटी पे रखें तब के बारे में बताया जा रहा है। और अगेन मैं बताऊंगा 2,25,000, 2,25,000 के यूनिट से दिया जा रहा है, लेकिन हमें कॉस्ट शीट जो तैयार करनी है, जो हमें कॉस्ट शीट तैयार करनी है वो करनी है हमें सिर्फ मात्र 1.5 लाख यूनिट का, हमें 1.5 लाख यूनिट का करना है। तो मुझे बताइए कॉस्ट शीट में मैं फिक्स कॉस्ट कितना दिखाऊं, कॉस्ट
कॉस्ट शीट में मैं फिक्स कॉस्ट कितना दिखाऊं? क्या सवाल समझ में आया आपको? सवाल समझ में आया? मैंने कहा कि मेरा ये 3,000 रुपये खर्चा कांस्टेंट है, टोटल खर्चा 9,000 था और 100% कैपेसिटी जो है वो 2,25,000 है। कॉस्टिंग में मैं फिक्स कॉस्ट दिखाना चाह रहा हूँ और मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है 1,50,000 है। एक बच्चे ने जवाब दिया, सर 1,999 रुपये 99 पैसे, 2,000, 2,000। अभी लेंगे डाउट दिविज, अभी लेंगे डाउट। 2,000, 2,000, 2,000। हाँ बिल्कुल, 1,999.99 को राउंड फिगर कर देंगे 2,000। तो सभी का जवाब आ गया 2,000। यानी अब मुझे समझ आ चुका है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भैया, कॉस्टिंग में और वहां पे कुछ थोड़ा अलग अलग मामला होता है फिक्स कॉस्ट को लेके। चलिए सर एक सवाल इसी पे हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी कॉम ऑनर्स में भी है, प्रोग्राम में भी है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और हर जगह पे लगभग इसी टाइप के सवाल हैं। इसको करने के बाद मैं बोल सकता हूं कि हमने सारे कॉन्सेप्ट लगभग लगभग कवर कर लिए, अब आपको प्रैक्टिस करना रह जाता है इस सवाल को करने के बाद। चलिए सर क्या कहता है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जितने भी सवाल मैं लेता हूं आपकी किताब के ही हैं, आपका महेश्वरी मित्तल बुक है उसी के सारे सवाल मैं करवा रहा हूं, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिन बच्चों के पास नहीं हो बुक बाय करके उसमें से देख सकते हैं। चलिए सर, प्रिपेयर आ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट लॉस, अनदर स्टेटमेंट शोइंग, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है। कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहे हैं हम आपको, मटेरियल वगैरह एक्सेट्रा दे दिया। कहता है कि द नॉर्मल आउटपुट ऑफ 2,25,000, यानी सर नॉर्मल आउटपुट का मतलब क्या समझे? नॉर्मल आउटपुट का मतलब समझिए कि हमारा जो कैपेसिटी है ना बनाने का, वो कैपेसिटी बनाने का है मात्र 2,25,000। ठीक है सर। कहता है फैक्ट्री एक्सपेंस जो है हमारा फिक्स नेचर 27,000, यानी जो फैक्ट्री का खर्चा है वो 27,000 का है। यानी सर यहाँ पे तो फैक्ट्री का खर्चा 45 दे रखा है, इसका मतलब 45 में से 27,000 तो फिक्स है। ओके सर। ऑफिस एक्सपेंस और ऑल प्रैक्टिस पर्पस कॉन्स्टेंट, ऑफिस एक्सपेंस तो सारा ही फिक्स है, ऑफिस एक्सपेंस तो सर सारा का सारा फिक्स है, यानी ये सारा फिक्स ही फिक्स है, ये तो फिक्स ही फिक्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कॉन्स्टेंट 3,000, यानी ये वाला पार्ट फिक्स है, एंड बैलेंस जो है वेरी है, वो वेरिएबल है बैलेंस। अच्छा सर क्या बनाना है? स्टेटमेंट रिकंसलेशन। तो भैया स्टेटमेंट रिकंसलेशन हम तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक हमें कॉस्ट शीट ना मिले। तो हमें पी एंड एल तो दे दिया, तो अब सबसे पहले हमें क्या तैयार करना होगा? कॉस्ट शीट। तो आइए कॉस्ट शीट तैयार करते हैं, पहले कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट तैयार करते हैं। तो आइए साथ में करते हैं तैयार कॉस्ट शीट। दो कॉलम तो नहीं होता कॉस्ट शीट में? अमाउंट, ये आ गया हमारा कॉस्ट शीट। सबसे पहले आएगा हेडिंग, हेडिंग लिख लें प्राइम कॉस्ट, क्योंकि WIP है नहीं सवाल में, तो फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल, और सबसे लास्ट में सेल्स। चलिए सर बनाते हैं। मटेरियल, कहीं भी मटेरियल की कोई चर्चा नहीं है, तो सर मटेरियल यही आएगा,
मटेरियल यही आएगा 1.5 लाख, जिसकी चर्चा है उसी के ऊपर अलग करेंगे, बाकी सेम आएगा। मटेरियल के बाद वेजेस, वेजेस के ऊपर कहीं चर्चा है क्या? नहीं है, तो वेजेस यही आएगा, वेजेस यही आएगा। और वेजेस कितने का है? वेजेस है हमारा 75,000, 75,000। चलिए सर, और क्या है? इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट तो यहां होगा फैक्ट्री कॉस्ट में, है ना? लेकिन सर यहां थोड़ा दिमाग लगाना होगा। सर फैक्ट्री कॉस्ट तो 45,000 है, जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो है सर 45,000, और कहता है फिक्स कॉस्ट 27 है। मतलब सर इसका मतलब यहां पे दो बातें हैं, इसी के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और इसी के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट कितना है सर? 27,000। तो वेरिएबल कितना होगा? 18,000। सर वेरिएबल तो आपका जो यहां पे होगा वो भी किस बेसिस पे होगा? यूनिट के बेसिस पे ही होगा, क्योंकि वेरिएबल तो हर जगह ही किस बेसिस पे होता है, और यहां भी मैं बोलूं तो यूनिट के बेसिस पे ही होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो कितने होंगे सर? 18,000। वेरिएबल कॉस्ट बोलूं तो कितना होगा? 18। लेकिन जो ये 27,000 होगा फिक्स कॉस्ट, यहां पे जो डला हुआ है 27,000, क्योंकि ये खर्चा बता रहा है इसके बारे में, इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो जो 27,000 यहां पे इनकॉर्पोरेट है ये टोटल प्रोडक्शन के बेस पे होगा, ठीक है? और हमें जो बनाना है वो कितना बनाना है सर? क्योंकि हमने 1.5 लाख यूनिट ही सोल्ड किया है, ना ही कोई ओपनिंग है और ना ही कोई क्लोजिंग है, इसका मतलब सर 1.5 लाख यूनिट बनाए और 1.5 लाख ही यूनिट हमने क्या करे? बेच दिए, तो प्रोडक्शन भी 1.5 लाख होगा। तो अब मुझे निकालना है ये 27,000 का कितना हिस्सा इसमें ले जाया जाए। तो 27,000 का मुझे 1.5 लाख यूनिट के हिसाब से ले जाना जाएगा। तो आप मुझे जवाब दे दीजिए तो थोड़ा तसल्ली मिल जाएगा कि आपको समझ में आ गया। यहां बताइए फिक्स कॉस्ट क्या लिया जाए, आप मुझे जवाब दीजिए, मैं तो लिख लूंगा। आप बताइए कितना लिखना है फिक्स कॉस्ट, कितना लिखना है? क्या आ रहा है बताइए? जितने बच्चे हैं बता दे फटाफट। एक ने जवाब दे दिया सर, क्या जवाब दिया सर? 18। दिविज ने कहा सर 12, अशरफ ने 18। और भी बच्चे जवाब दे फटाफट। ऐसे नहीं बनेगी बात, जवाब देना होगा तभी आगे क्लास बढ़ेगी। आप बताइए कितना होगा? ऑफलाइन वाले बच्चे ही बोल रहे हैं 18, वंशिका भी 18, सूरज भी 18, यानी सभी बच्चे बोल रहे हैं सर 18, 18, 18। पिंकी कह रही है 27, 27 तो टोटल फिक्स है, हमें उसके बेसिस पे लेना है। तो सर सही जवाब क्या है? सही जवाब है सर फिक्स कॉस्ट को हमें कन्वर्ट करना होगा, यानी 27,000 तो 100% कैपेसिटी पे है, दैट इज आपका 2,25,000, और हमने बनाए कितने? 1.5 लाख, दैट इज इसका खर्चा आएगा वो 18,000। क्या आप सभी एग्री हैं इससे 18,000 से? तो इसका मतलब सर ये क्या आएगा? 36,000 यहाँ पे कॉस्टिंग कर लेंगे और यहाँ पे भी कॉस्टिंग कर लेंगे। चलिए सर ये भी डन और ये भी डन। अब आ जाते हैं ऑफिस, कहते हैं ऑफिस एक्सपेंस तो सभी फिक्स है, यानी सर ऑफिस एक्सपेंस जो है वो तो 13,500 पूरा फिक्स है। भैया इसके अंदर ऑफिस एक्सपेंस डला है तो ये तो 2,25,000 पे दे रहा होगा, है कि नहीं? और हमारा कॉस्ट शीट तो बेचारा बन रहा है 1.5 लाख के हिसाब से, तो हमें इसके अंदर बताइए ऑफिस एक्सपेंस कितना दिखाना चाहिए? ऑफिस एक्सपेंस कितना दिखाना चाहिए? 13,500 दिखाना चाहिए या 13,500 को कन्वर्ट कर लेना चाहिए? कन्वर्ट कर लेना चाहिए। 1.5 लाख कितने आ गए? 9,000 रुपए आ गया। और भी बच्चों ने अगर जवाब दे दिया हो पहले से 9,000 तो बहुत बढ़िया है, सभी ने 18,18 तो दे दिया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता दीजिए। हिमांशु ने भी जवाब दे, हिमांशी ने जवाब दे दिया। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दीजिए, यहां तक किसी को डाउट है तो, क्योंकि ये बहुत मेजर चैलेंज होता है। कई बार ऐसा लगता है कि मैं ये सवाल, इसलिए मैंने पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट कराया, बच्चे ये समझने को तैयार नहीं होते सर कैसे आए 9,000। अगर आप निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलिए सभी बच्चों ने लगभग लगभग सभी ने बोल दिया 9,000, 9,000, 9,000, ठीक है।
चलिए यहां तक तो कामयाब हो गए। अब यहां पे आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहां आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो फालतू में बन गया सर, ये तो फालतू में बन गया, फालतू में, तो इसको तो डिलीट ही मार दो, ठीक है या रहने दे, फॉर्मेट अच्छा लग रहा है। चलो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जीरो, यही आ जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा? सेलिंग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहता है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है 3000 फिक्स है सर, 9000 का खर्चा है। सर खर्चा कितना है? सर 9000 का खर्चा है, जिसमें से 3000 तो फिक्स है, तो बाकी के 6000 क्या होंगे? बाकी के 6000 क्या होंगे बताइए? वेरिएबल, और वेरिएबल तो फाइनेंस हो चाहे कॉस्ट हो, हर जगह तो सही कैलकुलेशन होगा, तो यहां पे भी वेरिएबल कॉस्ट डाल दूं तो कितने बन रहे हैं सर? 6000। अब फिक्स वाला आपको निकालना है, मुझे प्लस करना है फिक्स वाला, तो फिक्स वाला कितना बन रहा है बताइए? देखते हैं लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं कितने जवाब देते हैं, फिक्स वाला कितना बन रहा है बता दीजिए फटाफट, फिक्स वाला। दो हजार, दो हजार, दो हजार, बिल्कुल सही जवाब, ये बन रहा है हमारा 2000, तो ये बन गया हमारा कितना सर? 8000। चलिए अब फटाफट टोटल कर लेते हैं, और सेल्स वैल्यू दे रखा है सवाल में, भैया हमने बेचा कितने का है सामान? 3 लाख का, तो यहां से फटाफट से प्रॉफिट वगैरह निकल जाएगा। इसके निकलने के बाद 15000, 75000, 90000, अच्छा 1.5 लाख है ये, 1.5 लाख प्लस 75000, 2.25, और ये प्लस 36, 2.61 प्लस 9000, 2.70, एकदम आराम से हो रहा है ये तो, 2.70 प्लस में 8000, 2.78 माइनस में 3 लाख, 22000। 22000 क्या है? प्रॉफिट है सर, सर 22000 प्रॉफिट। ऐसे सवाल में मैंने आपको सलाह दी थी कि आप जब भी होंगे तो आप प्रॉफिट किसका कंसीडर कर लें? फाइनेंस का कर लें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस आपके कम रहेंगे, तो फाइनेंस वाले प्रॉफिट को ले लेते हैं। उससे पहले मैं मार्क कर लेता हूं यहां पे, क्या मार्क कर लेंगे, किसका हमें क्या करना है, नहीं करना है, टैली करना है, वो देख लेते हैं। देखो ये भी 15 और ये भी 15, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, है ना? ये भी 75, कोई रोल नहीं है सर। यहां पे ये 36 है फैक्ट्री कॉस्ट, और यहां पे जो है फैक्ट्री कॉस्ट वो है 45, तो सर यहां पे काम आएगा, टिक मार लिया। ऑफिस एक्सपेंस भी सर यहां पे कुछ और है और यहां पे कुछ और है, काम आएगा। सेलिंग एक्सपेंस भी यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और, काम आएगा। बाकी तो सब कुछ हमारा हो ही रखा है, तो हम क्या करें सर? हम कर लेते हैं कॉस्ट शीट तैयार, इसी पेज पे कर लेते, कॉस्ट शीट कह रहा हूं सॉरी, रिकंसलेशन तैयार, रिकंसलेशन तैयार कर लेते हैं। चलिए प्लस माइनस यहीं पे कर रहा हूं मैं, थोड़ा कुछ बच्चों को दिखेगा नहीं तो मैं इधर कर देता हूँ शिफ्ट, जिससे कि बच्चों को आसानी से दिख जाए, ठीक है। चलिए सर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, हम लेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंस, और सर फाइनेंस का प्रॉफिट कहता है 7500, यानी इसका आंसर हमें पता है क्या आएगा? 22000, क्योंकि दोनों निकाल चुके हों। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? मटेरियल लेंगे नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस। तो सर सिंपल सी बात है, फाइनेंस का प्रॉफिट लिया तो सोचना कॉस्ट के बारे में। अब देखो फैक्ट्री एक्सपेंस यहां दिखा रखा था 45 और यहां पे फैक्ट्री एक्सपेंस है 36, यानी कॉस्ट में खर्चा कम है। कॉस्ट में खर्चा कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट कॉस्ट का ज्यादा आ रहा होगा, तो हमें कॉस्ट के बारे में ही सोचना है, तो हम भी प्लस कर देंगे। कितने रुपए ज्यादा आएगा? 9000, तो जी 9000 प्लस। इसके बाद अगला आ जाते हैं ऑफिस एक्सपेंस। सर ऑफिस एक्सपेंस यहां 13500 है,
सर ऑफिस एक्सपेंस यहाँ पे कितना है, 9,000 रुपये। यानी अगेन कॉस्ट के अंदर कम खर्चा दिखाया है, जिससे प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कितने से? 4,500 से। आगे आ जाते हैं, लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 9,000 और 8,000। तो बताइए सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये भी 1,000 प्लस, तो सब कुछ तो प्लस ही आ गया, आ गया 22,000। तो लीजिए सर 22,000, जो चाहते थे वो आ गया। यहां आ जाएगा बैलेंस, ये प्रॉफिट एज पर, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। किसी बच्चे को इतना सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए, थोड़ा भी डाउट है किसी बच्चे को इस सवाल में तो बता दीजिए। ऑनर्स के अंदर खूब सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे देखने को।